हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सहदेव जय श्री राम। तो फाइनली फ्रेंड, मैं आज आया हुआ हूँ जहानाबाद अपने घर। ठीक है, तो ऐसे पटना वाला भी घड़ी है, तो वो दो घड़े मेरा तो एक पटना में है, एक जहानाबाद में। तो फिलहाल तो मैं जहानाबाद वाले घर पे आया हूँ। तो गाइस, आज दिखाता हूँ मैं कि मतलब कि मेरा 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 घर कैसा है। तो फाइनली अभी तो मैं अपने छत पे हूँ, आप देख सकते हो। अभी तो ये क्या बोलते हैं, इसे तो गाय के गोबर से बनते हैं गोइठा, तो ये सब डाला हुआ है अभी। अब दूर दूर तक सुनने तो फाइन गाइज, अभी तो ये मेरा खटिया है, ये मतलब मेरा नहीं है, मतलब मैं अपना ही घर का है वो रहा, उसमें दूध गर्म हो रहा है। और फिलहाल तो अभी मैं छत पे हूँ, उधर सूर्य रहा, और ये मेरे आसपास का लोकेशन। और ये तो अभी हो रही है, इसमें से ये धान है, इससे ये चावल अलग किया जाएगा, क्योंकि मेरे मेरे घर से ही मेरे चावल दाल गेहूँ आटा ये सब मेरे घर से ही आता है। ये एक मेरा ये झोपड़ी टाइप का है, मतलब ये छत के ऊपर बनाया गया, इसमें स्टोर रूम टाइप का है, स्टोर रूम सामान पंखा वंखा फेंक के रखो बोड़ा बोड़ा ये सब। तो अब मैं चल रहा हूँ मम्मी के पास, अब मैं मिलाता हूँ अपने घर के मेंबर लोग से। फिलहाल तो अपने छत पे हूँ, और एक ये घर हुआ, और उसके बाद फिर मैंने बहुत चीज़ों की खेती भी की हुई है गाइस, आपको मैं दिखाता हूँ उधर से। हाँ तो गाइस, अभी तो मैं जैसे छत पे हूँ, अभी तो मतलब अभी छत पे हूँ, तो मैं आपको कुछ कुछ दिखा रहा हूँ नई नई चीज। ये भी हमारा स्टोर रूम टाइप का है, और ये मेरा लत्तर कद्दू का, ये सब्जी की लत्तर है, इस पर कद्दू होता है। मेरे बातों पे अगर यकीन ना होगा तो मैं दिखा देता हूँ, देख लो, ये कद्दू ही है, ये बच्चा है, अभी हुआ नहीं, शायद ये कद्दू है, शायद मुझे लगता है कि ये कद्दू ही है। फिर भी कद्दू दिखेगा तभी तो बताऊँगा कि कद्दू है। हाँ ये देखो, ये कद्दू ही है, ये कद्दू ही है। ये तो फिलहाल ये आपको इधर दिखाता हूँ मैं जूम करके, ये कद्दू ही है, देख सकते हो आप। और मैं अपने गांव के कुछ सीन्स दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हो, बड़ा खूबसूरत ही दृश्य गाइस। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। तो अब मैं चल रहा हूँ अपने आगे की ओर, आगे की डेस्टिनेशन की ओर, तो आगे की ओर लेकर चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ नई नई चीज़ें, बहुत सी नई नई चीज़ें, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा मैं गाइस। ये मेरा घर तो है, लेकिन इसको एक तरीके से आप फार्म हाउस कह सकते हो, मेरा ये मेरा फार्म हाउस है, यहाँ पे फार्म से रिलेटेड ही काम होता है। ये घर भी अपना है, लेकिन ये भूसा घर है, यानी कि मतलब इसमें भूसे फेंक के रखे हुआ हूँ मैं, क्योंकि गाय वाय को चारा खिलाने की जरूरत पड़ती है। अरे भाई, हिंदू उससे भी बड़ी बात, कट्टर हिंदू, गर्व से कहता हूँ जय श्री राम। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगती हो आपको। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने घर की ओर, यानी कि अपने घर से छत से नीचे आंगन की ओर। फाइनली अभी तो मैं आया हूँ फ्रेंड, तो अभी तो मैं अपने घर पे आया हूँ। ये मेरा आंगन है, मतलब आंगन, ये आंगन भी है घर भी है। तो यहाँ पे मिला जुला के टोटल यहाँ पे 10 कमरे हैं, ठीक है। और ये रही मेरी मम्मी, ये तो अभी आया हूँ तो मम्मी चूड़ा भूंज रही है। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाया नहीं हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, ये मेरी गैया है, ठीक है, ये मेरी गैया है, और ये उसकी बच्चा है, ये उसका बच्चा है, और ये मेरा मतलब घर जहाँ पे है उसका गली है। ये मेरा फार्म हाउस हुआ, घर भी समझो, ये घर ही है, लेकिन मैं फार्म हाउस कहता हूँ इसे। ये सारे गोइठे बैठे, ये सारे ठोके हुए हैं, ये सारे मेरे अपने ही हैं। और ये पहले बहुत बच्चा था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, डरो, आह 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 ये डर रहा है मुझसे, इसे लग रहा है मैं नॉन पर्सन हूँ इसलिए, लेकिन अब ये पहचान जाएगा। और ये उसकी मॉम रही, तो अब इसकी मम्मी की तरफ चलते हैं थोड़ा। तो जय श्री राम भाई, एक बात बोलूँगा, जीवन में कुछ करो या ना करो, गौ की सेवा जरूर करो। मेरे वीडियो में बना रहना, मैं वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी है देखने लायक। तो अभी तक तो मैंने आपको इतना ही दिखाया। तो मैं एक चीज़ और बोलूँगा भाई, कि घर में एक कुत्ता पालो या ना पालो, बिल्ली पालो, चूहा पालो या ना पालो, पर एक गाय जरूर पाला करो, ठीक है। गाय ऐसा चीज़ है जो आपको मतलब क्या बोलूँ, आपको हर चीज़ से बेनिफिट देगी, हर चीज़ से। तो अब चलते हैं अपने आगे की शॉट की ओर। अब मैं जो जहाँ ले जा रहा हूँ, देखो, गाय दिखा दिया, गाय का बच्चा दिखा दिया, घर दिखा दिया, खुद मैं दिखा दिया। अब ये मेरे गाय का घर है, इसमें जिसमें मतलब मैं अपने गायों को रखता हूँ। ये सेलिंग फ़ैन है, ये फ़ैन लगा हुआ है, आपको शायद फ़ैन दिख नहीं रहा होगा, शायद इसकी स्विच बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ा यहाँ पे अंधेरा किस्म का, लेकिन जगह ये भी बहुत अच्छा है, शायद इससे लाइट जल जाए, नहीं यार इससे भी लाइट नहीं जली, खैर छोड़ो, अपने को क्या है। तो अब चलते हैं अपने आगे की ओर, डेस्टिनेशन की ओर।
गाइस बहुत दिन बाद घर पे आया हूँ। मैं एक्चुअली जा रहा था 11 को गोवा, तो सोचा जाते जाते मिल लूँ, और अब मैं अपने छत पे लेके जा रहा हूँ आपको। तो गाइस ये वो चीज़ है, इसमें दूध रखा जाता है। पुराने जमाने में भी पहले दूध इसी में रखा जाता था, तो अभी भी इसी में रखा जाता है। ये रहा दूध जो मतलब ढक के रखा गया गर्म करने के लिए, और ये जो टोकरी है, ये टोकरी है गोबर और मिट्टी की लेप बनी हुई, ठीक है। और ये क्या है, ये शायद मक्खन या छाछ या दही, पता नहीं, जो भी हो खा, थोड़ी देर बाद खाने का तो मिल ही जाएगा, खा लूँगा। तो गाइस ये रहा मेरा घर, और अब मैं आपको जो दिखाऊंगा वो भी देख के आप कहोगे हाँ यार वाकई में चीज़ अच्छा है। तो गाइस इस बिल्ली के बच्चे को देखो, ये अपना ही घर है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ये मेरा स्टोर रूम है, ये तो दिखा दिया था, अब मैं बाहर जाऊँगा, बाहर जाके मैं आपको अपना अब खेत वेत जो है ये सारी चीज़ दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बस वीडियो के अंत तक बने रहो, बहुत अच्छी चीज़ और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो गाइस तो आपको तो मैंने दिखाया अभी अपना घर छत सब कुछ दिखाया, अब मैं आपको अपना दिखाऊंगा बगीचा और भी बहुत कुछ है बचा हुआ देखने लायक, दिखाऊंगा। तो गाइस मैं ये बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और क्या इतना से ज़्यादा और कुछ मांगूंगा नहीं। गैया जो है, गैया भी लगी हुई है, हाँ बोल रही है, लगे हुए हैं, उसका बच्चा भी लगा हुआ है। अब हम चलते हैं अपने आगे की डेस्टिनेशन की ओर। थोड़ा है गोबर तो वर, लेकिन सही है यार, गांव ऐसा ही होना चाहिए, होता भी ऐसा ही है। गाइस अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगल बगल वाले सब मेरे अपने जान पहचान के हैं, तो थोड़ा देखते हैं। तो गाइस अभी जैसे मैं अपने घर से निकला हूँ, तो मतलब अभी तो बागीचा की ओर जा रहा हूँ, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़। तो ये बागीचा जो है ये भी मेरा है, और ये भी मेरा ही है। ये कुआँ है खेत में पानी जाने के लिए, तो इसे लॉक करके रखते हैं, क्योंकि मेरे गाँव में चूतिए लोग बहुत बड़े पड़े हैं। और अब गाइस मैं जा रहा हूँ, ये सामने का जो दो पेड़ आपको दिख रहा है, एक ये वाली सामने और एक ये वाली, ये दोनों पेड़ मेरी ही हैं। मेरी क्या मतलब, मेरा मेरे भाई का ही है, मतलब मेरा ही है, अपना ही है। ये आम का पेड़ है, वो भी आम का ही पेड़ है। तो ये रहा बागीचा, और खेत तो भाई खेत दिखाऊंगा तो मुझे नहीं लगता तेरे तो आप लोगों के पास उतनी आँखें होंगी कि आप लोग देख लोगे, दूर दूर तक सिर्फ आपको खेत ही नज़र आएगा। और गाइस अभी सूर्य ढल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये अपुन का ही पेड़ है, और ये पेड़ भी तेरे भाई का ही है मेरी जान। और गाइस अब ले चलूँगा खेत पे आपको, तो मुझे नहीं लगता खेत भी देख पाओगे आप, क्योंकि बोलूँगा ये खेत मेरा है, तो दूर तक सारा खेत मेरा ही है, वाकई में सच में वो दूर तक मेरा ही है, तो मुझे नहीं लगता आप समझ पाओगे, बट फिर भी दिखाऊँगा जितना हो सकता है। जय श्री राम दोस्तों। तो बस आपसे आज यही अनुरोध है, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आगे की शॉट आपको दिखाता चलूँगा मैं। तो आप लोगों से ये कहना है गाइस, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है, और क्या बोलूँ मैं। लोग खेलने में व्यस्त हैं, देख सकते हो। तो गाइस अब हम चल रहे हैं अपने घर की ओर। ये मेरा केबिन है, केबिन मतलब ये मेरा मतलब मोटर का है, ये जैसे अभी तो लॉक पापा ने लॉक लगा के रखा हुआ है। अंदर में कुआं है, और इस कुआं से पानी वानी खेतों में जाती है, बोरिंग किया हुआ है खेत पटाने वटाने के लिए। और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की ओर ही, मैं अपने घर वापस आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी गाड़ी वाड़ी निकालूंगा, फिर थोड़ी दूर है यहाँ से डिस्टिनेशन की, जहाँ मैं आगे लेके जाऊँगा। तो अब मैं दिखाऊँगा आपको सेंट्रल जेल, सबसे बड़ा सेंट्रल जेल है मेरे घर के बगल में, बड़े बड़े कैदी को मैंने देखा है। चलो उसके भी नज़ारे के दर्शन करवाऊंगा मैं। और अभी तो घर आया हूँ, फिर अभी मम्मी सामने बैठी हुई है, बना रही है भुंजा, तो दिखाता हूँ। बन गए जैसे कि ये तो मेरा फार्म हाउस हुआ है, मतलब कि मेरा गांव, मतलब मेरा दूसरा घर, पहला घर मेरा पटना में हुआ, ऐसा देखा जाए तो पहला घर ही मेरा यही है जहानाबाद, लेकिन रहता पटना में ही हूँ, और पटना को ज़्यादा सपोर्ट भी करता हूँ, क्योंकि पटना से ही बहुत कुछ सीखा भी है, पाया भी है। तो ये मेरा पहला घर, पटना दूसरा घर, या पटना पहला घर, ये दूसरा घर, ये जो समझना है समझो। तो गाइस अब मैं क्या दिखाऊँ आपको, तो जो दिखाऊँगा ले चलता हूँ दिखाने। तो हेलो गाइस, थोड़ी लग रही थी ठंड तो मैंने पहन लिया स्वेटर, और अब मैं जा रहा हूँ काको, मतलब जहानाबाद का ही एक मतलब मार्केट का नाम है काको, सेंट्रल जेल के बगल में। तो मुझे अभी कम से कम तो 2 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी गाड़ी की इशू हो गई है, तो गाड़ी तो अभी मेरे पास है नहीं। खुश रहो बुआ। तो
अभी तो मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, तो अब मैं चल रहा हूँ, तो चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं और दिखाते हैं अपना गांव। क्या सीन है यार, देख सकते हो सूरज भी डूब रहा है। मुझे जल्दी से रात होने के पहले जाना है मार्केट और रात होने के पहले आ जाना है, क्योंकि रात के समय में इधर छीन छोड़ी बहुत होते हैं, चोर लोग बहुत बड़े हैं, फ़ोन भी छीन लेंगे, मारेंगे भी, चार्जर वार्जर भी सब कुछ छीन लेंगे, और ऐसे मुझसे तो छीनेगा नहीं साला, अपन खुद टॉप क्लास का बदमाश है। तो क्या, तोते उड़ा देंगे और क्या, चलते हैं, चलते चलो, तुम भी चलो, हम भी चल रहे हैं। तो फ्रेंड, तो मतलब क्या बताऊँ यार, थोड़ा मतलब बहुत लंबा चलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी भी यहाँ से बहुत दूर है। और गाइस, मैं क्या दिखाऊँ क्या बताऊँ अभी, क्योंकि रात होने के पहले पहुँचना है मुझे, तो चलते चलते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो, देखो। तो गाइस, फाइनली अब आपको मैं अपने बगीचे में लेके आया हूँ। ये है सागवान, ठीक है, ये अपन का ही है। तो ये है सागवान, और ये सागवान से बनता है नाव और बनता है आपका बंदूक। तो ये सारे पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये सारे पेड़ अपन के ही हैं। देखने में थोड़ा ये हॉरर मूवी के टाइप का सीन्स लग रहा है, बट ये ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो मतलब ये मतलब बगीचा है, पेड़ के पत्ते गिरने के कारण ये मतलब क्या बोलते हैं, पत्ते सूख गए तो ऐसा लगता है जैसे सब नहीं हो गया, लेकिन नहीं, देख सकते हो आप, कड़ कड़ कर रहा है। तो फाइनली गाइज, अब चलते हैं सेंट्रल जेल की ओर, अब आपको भी दिखाते हैं। गाइज, जैसे मैंने बताया कि ये जो बगीचा है, ये अपन का ही बगीचा है। कई लोग बोल रहे, अब वीडियो देख कर ये मत बोलना भाई तुम तो बहुत अमीर आदमी हो, तो भाई ऐसा बात नहीं है, ये है तो इसका मतलब क्या, इसे बेच के मतलब पैसे ले आऊँ क्या, नहीं ना, ये है प्रॉपर्टी, रखने की चीज़ ही होती है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। और हुआ, ये अपन का ही भाई अपन को लिफ्ट दे रहा है, अब चलते हैं आगे की ओर, चल बुआ। तो गाइस, गांव का सुहाना समय, बहुत दिन के बाद मैं अपने गांव आया हूं घर पे। तो गाइस, देखा जाए तो अभी मतलब क्या बताऊं, बच्चे लोग सारे फील्ड में खेल रहे हैं और अपन जा रहा है काकू, और उसके बाद फिर निकलेगा। हेलो गाइस, तो अभी मैं हूं जहानाबाद मंडल काड़ा जेल, सेंट्रल जेल। तो अभी यही है सेंट्रल जेल, अंदर तो नहीं जाऊंगा यार, कैदी वैदी तो मैं हूं नहीं, अंदर जाऊंगा साला तुम लोग को ब्लॉक के कारण अपन पे ही रिस्क आ जाएगा। तो गाइस, ये रहा मंडल काड़ा, अब चलते हैं आगे की ओर। छत्ते पे सुता का भैया, छत्ते पर मैं तो रूम में। तो फाइनली अभी मार्केट गया था, तो मार्केट से भी रिटर्न हुआ है, तो अभी मिल गए सुजीत भैया, तो बोले चलो मेरे साथ, फिर दिया है बड़े भाई ने, तो मिल गए, तो फिर बोले चलो, हम बोले ठीक है चलते हैं और क्या। तो अभी तो फिलहाल अब रात हो रही है, तो अब ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न है, रीज़न यही है कि अंधेरा हो गया और यहाँ पे मतलब रात के समय में मतलब लोग नहीं निकलते, गांव तो जानते ही आप लोग, गांव कैसा होता है। तो अब जा रहे अपने घर की ओर, और अभी फ़िलहाल इतनी गाड़ी से क्रॉस की है, तो अब अपने मिलेंगे नए शॉर्ट और नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड माई वीडियो, मिलेंगे आप जल्द एक अच्छे से नए ब्लॉग। जय हिंद।